बिवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही भरतपुर में ऐसा बहुत कुछ है जो समृद्ध विरासत की कहानी कहता है। व्यवसायी मानते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो सूरत बदल कर रख सकती है। बर्ड सेंचुरी के अलावा डीग महल का जिक्र सबसे पहले आता है। इसकी कारीगरी को लोग ताजमहल से कमतर नहीं आंकते। जो सफेद सैंडस्टोन है, व्हाइट सैंडस्टोन पे जो कलाकारी है, वो कलाकारी ताजमहल से के बराबर है। अगर आप जाके देखो कलाकारी जो गेट्स वगैरह में है व्हाइट सफेद पत्थर पे, ऐसी कलाकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। प्राकृतिक संपन्नता और विरासत का अभूतपूर्व समागम होने के बाद भी पर्यटकों की उदासीनता देखने को मिलती है। आखिर कैसे इस दूरी को पाटा जाए? कई सरकारों ने किया है कि वहाँ पे एक एक्स एरिया है, एक एक्स एरिया को लेके कि भाई ये एरिया है 50 बीघे का, इसमें से 10-10 बीघे के, 5-5 बीघे के हम इनको कन्वर्टेड होटल प्लॉट्स हैं, हम इसको कंसेशन रेट पे प्लेयर्स को देंगे, आप आके बनाओ। तो आपने क्या किया, आपने कन्वर्टेड लैंड पॉलिसी तो है ये अवेलेबल करवा दी, एक्सेस है, तो उसमें चांसेस हैं कोई भी आके कुछ कर सकता है। पॉल्यूशन फ्री रिक्शा राइट की भी दरकार राजस्थान के सिंहद्वार को है। तंग गलियों में बस्ती कचौड़ियों की मशहूर दुकानों तक पहुंचने के लिए, मंदिरों तक पहुंचने के लिए ये राइट्स सफल प्रयोग हो सकते हैं। तो हमारा गन्ना मंदिर है, तो किले से निकल के गन्ना मंदिर है, लक्ष्मण जी मंदिर तक एक रिक्शा राइड होनी चाहिए। तर्क है कि अगर बिजनेस बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो कुछ मूलभूत काम करने होंगे। इनमें एयरपोर्ट को स्थापित करना अहम है। आपको एयरपोर्ट डेवलप करना चाहिए, सब जगह डेवलप हो रहे हैं एयरपोर्ट, तो भरतपुर में क्यों नहीं डेवलप हो रहा है एयरपोर्ट? भरतपुर पर्यटन के लिहाज से एक उम्दा स्थान है। विरासत को संजोए बैठे जिले को समय के साथ कदम ताल करने के लिए बस जिम्मेदारों की नजरे इनायत का इंतजार है। अनुमान है कि थोड़ी तवज्जो से ही गेटवे ऑफ ईस्ट का व्यवसाय करीब 5 गुना तक बढ़ सकता है। वर्तमान में जिले में पर्यटन से सालाना करीब 50 करोड़ रुपए तक की आय होती है, जो बढ़कर 250 करोड़ तक पहुँच सकती है। भरतपुर से श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत के लिए।